हेलो हेलो किन्नौर कब तक स्टीम यार्ड से? मैं सत्यनारायण तिवारी, सत्य लाइव हूँ और इस काव्य संध्या में जो भी जुड़ेंगे उनका सादर वंदन, हार्दिक अभिनंदन है। आइए सर्वप्रथम छोटी सी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करते हैं। हे हंस वाहिनी, ज्ञान दायिनी, कमल आसनी मैया, वीणा वाणी गिरा शारदा, जग अज्ञान हरैया, ब्रह्म कुमारी कष्ट बिदारी, भव सागर पार करैया, कादम्बरी लासित वसना वीणा झंकार करैया, संध्या पूजा आरती पुष्पांजलि तुम्हें समर्पित मैया, असत्य करूं कर जोरी वंदना, स्वीकारो मुरी मैया, स्वीकारो मुरी मैया, स्वीकारो मुरी मैया। आइए आगे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कुछ मुक्तक पढ़ रहा हूं, इसके बाद फिर आगे का। कि ये परम पुनीता धरा की जिसका आंगन बड़ा सजोना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हरा भरा हर कोना, तो धन धान संपन्न चतुर्दिग पग पग उगले सोना, और मिलजुल इसमें रहो भाइयों, आपस में कभी लड़ो, यहां बैठ कभी गण सदा रस की झड़ी लगाते, और गीत गजल काव्य पाठ से जन मन को हर्षाते, मंत्र मुग्ध जहां झूमे श्रोता, मिट जाते हो गम, हंसी खुशी संतुष्टि का बने त्रिवेणी संगम, तो जहां राज उत्थान प्रेम के भाव जगाए जाते, सत्य ही तो पूर्ण सफल काव्य मंच कहलाते, और जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी के हो, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को, और जिसने गीत सजाए अपने तोपों की गर्जन सुन सुन, जो बलिदानों का प्रेमी हो, भारत माता का प्यार उसी को,
भारत माता का प्यार उसी को, भारत माता का प्यार उसी को। एक मुक्तक और रखता हूं कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपना है उसे इंसान कहते हैं। अरे कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते हैं, जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते हैं। और हमारी जिंदगी हमेशा औरों के काम आए, हमारी जिंदगी हमेशा औरों के काम आए, और मेरी नजरों के आगे न कोई बेचैन रह पाए। बासंती बहारों से खुशनुमा रहे दुनिया सदैव, यही अंतिम तमन्ना है। न पतझड़ का समय आए, न पतझड़ का समय आए। और पत्थर को तराश कर भगवान बना दिया, मानव की फितरत देखिए कि पत्थर को तराश कर भगवान बना दिया, जंगल को काट कर वीरान बना दिया, जंगल को काट कर वीरान बना दिया। और अपनी ख्वाहिशों को मूर्त रूप देने वाले मानव, तूने अपनी ही मातृभाषा भूमि को शमशान कर दिया, शमशान कर दिया। और एक और देखिएगा विडंबना कि स्वार्थ लिप्त नित उल्टे सीधे पाठ पढ़ाते खासा, स्वार्थ लिप्त नित उल्टे सीधे पाठ पढ़ाते खासा। अब कुछ मुट्ठी भर लो दे रहे नवयुवकों को झांसा, कुछ मुट्ठी भर लो दे रहे नवयुवकों को झांसा। और निज सुत ही आतंकी बन घूर रहा बारूद लिए, निज सुत ही आतंकी बन घूर रहा बारूद लिए। तो कैसे पूरी होगी अपनी देश प्रगत की ये अभिलाषा, देश प्रगत की ये अभिलाषा। और मैं कहता हूं कि कुछ न पढ़ते किंतु लिखते नित्य है, हमारे कवियों की फितरत है कि कुछ न पढ़ते किंतु लिखते नित्य है, स्वयं की कृति पर स्वयं कृत कृत्य है, स्वयं की कृति पर स्वयं कृत कृत्य है। दीप बनकर एक पल भी जो जल उठे, समझने मन में लगे स्वयं आदित्य हैं, स्वयं आदित्य हैं। तो मैं कहता हूं कि सब चला जाए मगर कुछ पास तो हो, अरे रह न जाए जिंदगी इतिहास तो हो। सुमन झड़ जाना सहज है भाग में, किंतु है बिखरे जहां सुभाष तो हो, सुभाष तो हो, सुभाष तो हो। और भाई साहब जिक्र 20वीं सदी का छोड़िए, और अलगाववादी व्यवस्था तोड़िए, नव सृजन इस दौर में प्रारंभ कर, आदमी को आदमी से जोड़िए, आदमी को आदमी से जोड़िए। अब अगर हम पुष्पसा नहीं मुस्कुराए तो कली क्या कहेगी, चमन क्या कहेगा। और अगर हम नहीं देश के काम आए तो ये धरा क्या कहेगी, और ये गगन क्या कहेगा, ये धरा क्या कहेगी और ये गगन क्या कहेगा। आजकल देखिएगा एक बिंब, आजकल लोग क्या से क्या सोचने लगे, आजकल लोग क्या से क्या सोचने लगे हैं। अरे खिसियाई बिल्ली से खंभे नोचने लगे हैं, खिसियाई बिल्ली से खंभे नोचने लगे हैं। और खुद ही कुपंथ में सुपंथ की राह तलाश रहे, खुद ही कुपंथ में सुपंथ की राह तलाश रहे, और सुपंथ के राही को बार बार टोकने लगे हैं। और आतिथ्य सत्कार की बात अब रही नहीं सत्य जी, घर आए मेहमान को कुत्ते से भौंकने लगे हैं, घर आए मेहमान को कुत्ते से भौंकने लगे हैं। कोई भलमानुस फिर भी लगा है परोपकार में, कोई भलमानुस फिर भी लगा है परोपकार में, तो उसे भी डराने धमकाने और रोकने लगे हैं, डराने धमकाने और रोकने लगे हैं। और अधिक मुक्तक न पढ़ के आइए हम कुछ
इस समय जो है नवरात्रा चल रहा है, एक दो देवी गीत पढ़ने, तो एक देवी गीत पढ़ता हूँ। अभी एक आश्रम में मैं गया था, वहां बैठे बैठे जो लिखा उसी को पढ़ रहा हूँ। जय अम्बे जय जगदम्बे। और जो भी श्रोता हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कि महिमा अजब निराली री माई तोरी, महिमा अजब निराली, अरे महिमा अजब निराली री माई तोरी, महिमा अजब निराली। आश्रम परम सुहावन पावन, आश्रम परम सुहावन पावन, प्यारा अनुपम अति जी मन जी भावन, अरे कोऊ कहे तो ही बूढ़ी री माई, और कोऊ कहे कंकाली री माई तोरी, अरे महिमा जब है निराली। तो काम विभिन्न स्थानों में हमारी देवियां विराजी हैं, उनका स्मरण करना जरूरी है। तो विंध्याचल कहे विंध्यवासिनी, पाली बाली मातु विरासिनी, और भटिया बैठी माँ सिंहवाहिनी, अष्टभुजी जी महारानी, अरे अष्टभुजी महारानी री माई तोरी, महिमा जब निराली। ज्वाला काल रात्रि माँ शारद, फूलमती दुर्गा जगदम्बे, आदि शक्ति मह माया तुम ही, कलकत्ते कै काली री माई तोरी, महिमा जब निराली। तो सिद्धांत हम खड़े हैं दुआरे, और भगत समर्पित चरण तुम्हारे, और बाल भोग पंचामृत अर्पित, अरे बजा बजा के ताली, अरे बजा बजा के ताली री माई तोरी, महिमा जब निराली, महिमा जब निराली। एक और देवी गीत करने की इच्छा है। सिंहवाहिनी शारद माता, अरे सिंहवाहिनी शारद माता, मैहर तेरो धाम हो माँ, मैया मैहर तेरो धाम हो माँ, ऊंची टिकुरिया बनी रे मिनुरिया, ऊंची टिकुरिया में बढ़ी रे बनी रे मिनुरिया, सीढ़िया चढ़ी ना जायो माँ, मैया सीढ़िया चढ़ी ना जाओ, आला जैसे भगत तुम्हारे, सेवा धर्म निभायो माँ, धूप दीप नैवेद्य आरती श्रद्धा लगाऊ माँ, पान सुपारी दजा नारियल चुनरी आई चढ़ाऊ माँ, सोने टुकलिया माथे में सोहे सोहे गले गले हारो माँ, मैया सोहे गले गले हारो माँ, और धवल सुमन के मोहक गजरे दो हाथ सुहायो माँ, ना जानो मैया पूजा तुम्हारी, अरे ना भक्ति ना भाव ना, तो दूध पूत सुख वैभव देती देती सर्वस माई हो माँ, तो सत पर कृपा करो मुरी मैया भव सागर जाऊ माँ, मैया भव कर तर जाऊ माँ, भव सागर तर जाऊ हो माँ, कर जाऊं हो माम। कुछ कविताओं से रूबरू करता हूं आपको। लीजिए पहली कविता है। लोग बार पूछते हैं कि कविता क्या है, तो मैं कहता हूं कि सरस्वती का भंडार न पूछो। कविता भी विविधा है, और आप चाहे जिस विषय पर लिख दें, और अगर उसके रस अलंकार छंद बन जाए, विधान बन जाए, तो वो कविता अपने आप में एक जो है सरस्वती की पूजा होती है। तो मैं कहता हूं कि सरस्वती का भंडार न पूछो, सरस्वती का भंडार न पूछो, कविता के पर्याय न पूछो, कविता के अध्याय न पूछो, और कविता कितनी सरस मनोरम किसको कितनी लगी न पूछो।
सरस्वती का भंडार न पूछो। कविता निर्मल ज्ञान की गंगा बहती बिन बरसात न पूछो। अब कविता कवि की मधुर कल्पना प्रस्फुटित कैसे हुई न पूछो। सरस्वती का भंडार न पूछो। अब कब से निश्चल नाता व्यर्थ अर्थ संबंध न पूछो। न कब तक जीवन संग चलेगी कितना है अनुबंध न पूछो। कितना है अनुबंध न पूछो क्यों? क्योंकि आत्मा की आवाज है कविता। अज्ञात तुम्हें अनजान न पूछो। और कविता कवि की ज्ञान गागरी भमे भरे अमी है रसधार न पूछो। सरस्वती का भंडार न पूछो। सरस्वती का भंडार न पूछो। सरस्वती का भंडार न पूछो। आइए और कवि कैसा लिखे क्या लिखे उसको जो कुछ हो मार्गदर्शन होना चाहिए। क्योंकि कविता वही है जिससे समाज को कुछ प्रेरणा मिले। तो मैं कहता हूं कि कभी कुछ ऐसा लिखो, कभी कुछ ऐसा लिखो कि जिससे मानवता जागृत हो जाए, व्यक्ति व्यक्ति में सोचने की क्षमता जागृत हो जाए। तो कभी कुछ ऐसा लिखो कि जिससे मानवता जागृत हो जाए और जन मन से मिट जाए कलुषता, तो दुर्जन भी सज्जन हो जाए। ऊंच नीच और जाति धर्म से मुक्ति भारत को मिल जाए, हमारे भारत देश को, जिससे मुक्ति मिलनी ही चाहिए। और समरसता का मधुर भाव जगे और एक के भाव हिंद में आए, हम सब एक हैं, ऐसा भाव मेरे मन में आना चाहिए। और नेकी के पथ चले लोग सब, कर्मशील जनमन हो जाए, शांति सुरक्षा भाईचारा, शोषण मुक्त समाज बनाए, शोषण मुक्त समाज बनाए, समग्र राष्ट्र सुसंस्कृत शिक्षित, घर घर में खुशियां भर जाए, राष्ट्रोन्नति हो लक्ष्य हमारा, फिर राम राज्य भारत में आए, फिर राम राज्य भारत में आए, फिर राम राज्य भारत में आए। और एक सत्संग पर पढ़ता हूं कि जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने, अरे आसुरी प्रकृति में जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने, जीवन में जितने दुख दिखते वह निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्मशुद्धि होती है, पर लोभी मोही अज्ञानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर गांजा या अफीम और भांग चरस बीड़ी सिगरेट को पीने वाले हर व्यसनों को ना छोड़ सके, तो इस मन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस को में करना क्या जाने। जिनके मन में होता रहता आगे पीछे का चिंतन, वह प्रेम योग बिन परमेश्वर में ध्यान लगाना क्या जाने। दुष्कर्मों में संलिप्त सदा ही सत्कर्मों की डींग हाँकता, छल प्रपंच पर गुण जिंदगी व्यवहार बनाना क्या जाने। तो जो पहुंचे हुए संतजन है उनसे पूछो पथ की बातें, अरे जो 12 बाट बीच में है वह लक्ष्य निभाना क्या जाने। सुख में त्यागी हो न सके मन सके, दुख में जो ना उदार, वह प्रेम योग बिन परमेश्वर में ध्यान लगाना क्या जाने। वह प्रेम योग बिन परमेश्वर में ध्यान लगाना चाहते। और एक जागरण के लिए मैंने लिखा है छोटी सी कविता, जागो देशवासियों। अपने देशवासियों से निवेदन कर रहा हूं कि जागो देशवासियों। करते हैं काम खोटे ऊंचा निवास है, करते हैं काम खोटे ऊंचा निवास है, और रहता है पेट खाली महंगा लिवास है, रहता है पेट खाली महंगा लिवास है। और करते हैं शौक सारे दूसरे के दम पर, करते हैं शौक सारे अरे दूसरे के दम पर, मुर्गे जो फंसे मोटे उनको तलाश है, मुर्गे जो फंसे मोटे तो उनको तलाश है। बारूद में खड़े हैं असोलों से खेलते, लोगों से कह रहे करते विकास है, लोगों से कह रहे करते विकास है। खून लग चुका है मुंह में आदमी का, खून लग चुका है मुंह में आदमी का, खुद भी कर सकेंगे ये आचरण खल्लास है, कुछ भी कर सकेंगे ये, क्योंकि आचरण का खल्लास है। और सत्य कह रहे अब जागो देशवासियों, सोते रहे जो अभी निश्चित विनाश है, सोते रहे जो अभी तो निश्चित विनाश है, सोते रहे जो अभी
तो निश्चित विनाश है। एक रचना में पढ़ रहा हूं, हमें बताओ ना, कविता का शीर्षक है हमें बताना। माना प्यारे कृत्य तुम्हारे अनुपम न्यारे हैं, पर परोपकार जब तुम कर पाओ तो हमें बताना। मंदिर महल अटारी खूब बनाए और सजाए, पर सरग नसेनी जब लग जाए तो हमें बताना। अपनी अपनी करनी का गर्व सभी को होता है, अपने और पराए का भेद सुखद होता है, और साहिल दूर भंवर चिन्हैया जोखिम तो होता है। पर जिसकी तरनी पार लगे वही बहादुर होता, पर जिसकी तरनी पार लगे वही बहादुर होता। यूं तो अपने पथ पर गांव बहुत है, लेकिन मथुरा काशी बसा सको तो हमें बताना। मथुरा काशी बसा सको तो हमें बताना। कितने किए देव दर्शन तुम मंदिर मंदिर माथ नभाए, अब कितना ज्ञान समेटा यारो कितने ही तो गुरु बनाए। कितनी कसमें शपथ लिए तुम सेवा धर्म निभाने की, पर मात पिता की सेवा कर पाओ तो हमें बताना। तो कावा चले फकीर मगर हत्यारे क्यों है, कावा चले फकीर मगर हत्यारे क्यों है, तो देश कर रहे नीलाम बताओ रखवारे क्यों है, देश कर रहे नीलाम बताओ रखवारे क्यों है। और नागों की नगरी में चीर नहीं होता यारो, और विष के सौदागर भी अमृत वाले क्यों है, विष के सौदागर भी अमृत वाले क्यों हैं। जब जब हानि होए धर्म की प्रभु लेते अवतार, पर नारायण को जन्म सको तो हमें बताना। पर नारायण को जन्म कितने ही राम हुए धरती पर भार उठाने को, कितने ही काम हुए वसुधा को स्वर्ग बनाने को, कितनी ही आधी तूफान सुनामी झेला हमने यारो, दीप जलाए थाल बजाए कोरोना से छुटकारा पाने को। तो यूं तो कितने त्रेता द्वापर राम और श्री कृष्ण हुए, यूं तो कितने त्रेता द्वापर राम और श्री कृष्ण हुए हैं, पर कंस ताड़ का वध कर पाओ तो हमें बताना। पर कंस ताड़ का वध कर पाओ तो हमें जाने कितने गढ़ कितने किले बने हैं, दुश्मन को मार भगाने के सिलसिले बने हैं। और अपनी ही युक्ति पर अपना ही विश्वास न हो तो जीत बने जवाहर दोस्त फिर किसका है। यूं तो कितनी बार जलाए अनगिन पुतले हमने, पर रावण को यदि मार सको तो हमें बताना। झोपड़ियों में आ भरी है तेरा राम कहाँ से लाऊं, और रावण बसते हर गलियों में तो इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। और मान्यता जो है समाज देता है किसको, कितनी समाज दे मान्यता देता है ये तो व्यक्ति की सोच पर निर्भर है। आइए हम बताते हैं कि नहीं कहते, हर एक सरस कविता को वरदान नहीं कहते, हर एक सरस कविता को वरदान नहीं कहते, प्रतिदिन आने वाले को मेहमान भी नहीं कहते, प्रतिदिन आने वाले को मेहमान नहीं कहते, मन के सभी विचारों को अरमान नहीं कहते, मन के सभी विचारों को अरमान नहीं कहते, और मंदिर के हर पत्थर को भगवान नहीं कहते, मंदिर के हर पत्थर को भगवान नहीं कहते। अगला बंद देखिए, कुछ व्यर्थ के कार्यों को श्रमदान नहीं कहते, कुछ जोड़ तोड़ करने को निर्माण नहीं कहते, और हर पढ़ने लिखने वाले को विद्वान नहीं कहते, कुछ चिकनी चुपड़ी बातों को गुणगान नहीं कहते, कुछ चिकनी चुपड़ी बातों को गुणगान नहीं कहते। अगला वन, दो चार कदम चलने को अभियान नहीं कहते, और बंजर जमीन देने को भूदान नहीं कहते, और एक बार नजर मिल जाने को पहचान भी नहीं कहते, और हर हाथ पैर वालों को इंसान नहीं कहते, हर हाथ पैर वालों को इंसान नहीं कहते, हर परीक्षार्थी को विद्यार्थी नहीं कहते, हर एक वक्ता को व्याख्याता नहीं कहते, और इनगिनत के निमंत्रण को आह्वान नहीं कहते, और हर कांटेदार झाड़ी को गुलाब भी नहीं कहते, हर कांटेदार झाड़ी को गुलाब भी नहीं कहते, भूल चूक करने वालों को बेईमान नहीं कहते, भूखे प्यासे अपराधी को शैतान नहीं कहते, प्रतिदिन के कार्यों को
प्रतिमान नहीं कहते और किष्किंधा के हर बंदर को भगवान नहीं कहते, किष्किंधा के हर बंदर को भगवान नहीं कहते। और आजकल बड़ी चर्चा है राम राज्य की, तो मैं कहता हूं कि घाट घाट में, घर घर में बस धोबी की चर्चा है। अवयुगल अवकुश को आरक्षण दे, ऋषि न कोई बचा है। और राम राज है महाकल्पना, कुर्सी की खींचम खींच, अरे दशाननी आचरण चतुर्दिक मन जैसी मारीच, दशाननी आचरण चतुर्दिक मन जैसी मारीच। तब कहता हूं कि जब राम राज्य आने होगा, तो जब राम जी प्रतिस्थापित हो जाएंगे, नया जो भव्य राम मंदिर बनता है उसमें राम जी की स्थापना हो जाएगी, तो राम राज्य के आसार बढ़ जाएंगे। मैं इसी कल्पना से एक राम जी पर लिखा हूं, विनय कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे एक बार फिर भरत भूमि में आ जाओ राजा राम, एक बार फिर भरत भूमि में आ जाओ राजा राम। अरे दीन दुखी आरत हत मन को मिल जाए विश्राम, सरयू तीर अयोध्या नगरी पुनः पधारो राम। ओ महल सुसज्जित बनता रघुवर अनुपम सुविधा धाम, तो आओ प्रभु अवदरस दिखा दो जय जय सीता राम, श्री राम जय जय राम श्री राम। तो हे करुणा कर प्रणत पाल हरि, घट घट उर के वासी, आज तुम्हारे दर्श बिना मन छाई घोर उदासी, और जन जन के मानस मन मंदिर वास करो अविनाशी, और राम राज्य की पुनर्स्थापना अब कर दो ब्रह्म प्रकाशी, अंतर मन मुमा आए भी राजो तुम भगवान निष्काम, श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओ हनुमंत लाल जी हनुमंत गढ़ी में निस दिन पहरा देते, अन्यायी अत्याचारी दुष्ट जनों की सदा खबरिया लेते, तो राम नाम है महामंत्र यह इसकी शिवजी महिमा गाते, अनुमन वाणी से जो नर जपते मोक्ष द्वार खुल जाते, ऐसे हो तुम प्रणत पाल प्रभु बना दो बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। और किसकी किसकी बिगड़ी बनाया राम जी ने, देखिए जगह अपने भक्तों की, कि तुलसी केशव सूर कबीरा राम नाम गुन गाया, अरे तुलसी केशव सूर कबीरा राम नाम गुन गाया, राम ही सुमिरिए राम ही गाइए वेद मंत्र बतलाया। तो सूर नर मुनि सब गाई रामो गुन अंत परम गति पाया, वैसे मम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम पापी हूँ पार लगाया, पापी हूँ पार लगाया दशरथ नंदन कौशल्या के प्यारे। अरे जय हो सीता राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। एक रचना आगे और सुना रहा हूं मैं, आप जो भी देख रहे हैं जो भी सुन रहे हैं, आप समस्त विद्वानों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए, मैं सत्यनारायण तिवारी एक निवेदन कर रहा हूं कि जो भी हमारे देश में अन्यायी अत्याचारी और अन्याय अन्याय के पक्ष पर जो हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी कविता का शीर्षक है देश से गुंडई बंद करो। मेरा निवेदन है देश से गुंडई बंद करो। आप लोगों के समक्ष सादर प्रस्तुत है कि ऐसा बने समाज की जो जन मन की पीर हरे, उतना सबको मिल जाए जो जितना काम करे, हाथी को मन भर चींटी को कन भर सबका पेट भरे।
और छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कोई भी नहीं डरे। तो निरे निराधारी आधारो, स्वयं सिद्ध युग के अवतारो, मानवता स्वच्छंदता के भाव तुम बुलंद करो, और देश से गुंडई बंद करो। भाई साहब, देश से गुंडई बंद करो, धरना बंद और हड़ताल देश प्रगति में बाधक है। धरना बंद और हड़ताल देश प्रगति में बाधक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पोषक और साधक हैं। देश में महंगाई, सुरसा जैसे बदन पसारे, बेलगाम, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, चोरी, सबके सब घातक हैं। फिर से देखिएगा इसको कि धरना बंद और हड़ताल देश प्रगति में बाधक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पोषक और साधक हैं, और देश में महंगाई, सुरसा जैसे बदन पसारे, बेलगाम, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, चोरी, सबके सब घातक हैं, सबके सब घातक हैं। ओ जलते बुझते अंगारो, अपनी आदत के लाजारो, जमाखोरी के जोर जमीन देश का मत नीलाम करो। देश से गुंडई बंद करो, देश से गुंडई बंद करो। अरे अच्छा, फूलों की रक्षा हो तो तुम बेशक फूल बनो, यूं ही चुभने से अच्छा है पथ की धूल बनो। केवल अपने हित में मत युग की भूल बनो, सबको ही सुख पहुंचे ऐसे सुखद दुकूल बनो। ओ निर्मम पापी हत्यारो, विजय पराजय के हारो, जियो और जीने दो से सबको सानंद करो। अरे देश से गुंडई बंद करो, देश से गुंडई बंद करो, देश से गुंडई बंद करो। एक और यक्ष प्रश्न है मेरा कि नेता चतुर सुजान बताओ बनेगा कब सुंदर परिवेश। अरे नेता चतुर सुजान बताओ बनेगा कब सुंदर परिवेश। राम राज्य की बाट जो होता, अरे राम राज्य की बाट जो होता, प्यारा अनुपम अपना देश। नेता चतुर सुजान बताओ बनेगा कब सुंदर परिवेश। रात रात भर तिकड़म बाजी, रात रात भर तिकड़म बाजी, देखा पर हम बोल न पाए। रात रात भर तिकड़म बाजी, देखा पर हम बोल न पाए। लूट खसोट निरंतर जारी, देखा भरी तिजोरी टोक न पाए। खूब हवाला बेखौफ घोटाला, चोरी चोरी धन गया विदेश, चोरी चोरी धन गया विदेश। राम राज की बाट जो होता प्यारा अनुपम अपना देश, राम राज की बाट जो होता प्यारा अनुपम अपना देश। और कई धर्म और जाति यहाँ, देश सभी की मान पोती। वैसे तो लड़ने में कहते हैं मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, मैं सिख, तमाम सारी व्यवस्थाओं को तोड़ते हैं, पर मैं अंत में यही कहते हैं कि मैं, ये मेरा देश है। वो कहता है ये मेरा देश है, तो वो कहता मेरा देश है। तो मैं कह रहा हूं कि कई धर्म और जाति यहाँ, देश सभी की मान पोती, और रुपया भरकर अरबों खरबों खाकर बैठे मानो अमरावती, खाकर बैठे माने मानो अमरावती। मान सको तो मान भी जाओ, सच्ची सीख नहीं उपदेश। मान सको तो मान भी जाओ, सच्ची सीख नहीं उपदेश। राम राज की बाट जो होता प्यारा अनुपम अपना देश। कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम, कौन सिख ईसाई बोलो। कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम, कौन सिख ईसाई बोलो। रक्त सभी का एक रंग, फिर अंतर का मल अपने धो लो। तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते तब कौन तुम्हारा बोलो देश। हिंदुस्तान की जय नहीं बोलते हो, कहते हो ये देश मेरा ही, पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं हो। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते तब कौन तुम्हारा बोलो देश। राम राज की बाट जो होता प्यारा अनुपम अपना देश। सन की 7.5 तब मैं कहता हूं कि सन की 7.5 देखो बोल रहे नफरत की भाषा। सन की 7.5 देखो बोल रहे नफरत की भाषा। चूहे सारे बिल्ली बन बैठे, गठबंधन की गढ़ परिभाषा, गठबंधन की गढ़ परिभाषा, अपने अनुकूल गठबंधन की परिभाषा गढ़ते हैं और सारे मतभेद भुला लेते हैं। सत्ता के लोलुप नेता क्यों,
जनता को दे रहे कलेश। अरे राम राज की बाट जोहता प्यारा अनुपम अपना देश, राम राज की बाट जोहता प्यारा अनुपम अपना देश। और एक गीता का की ज्ञान की बात है कि गीता में बहुत 18 अध्याय हैं, लेकिन सबका निचोड़ यही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करिए। तो उसी में पढ़ रहा हूं मैं। कर्म दो प्रकार के, सत्कर्म और असत्कर्म। असत कर्मों की तो लंबी लिस्ट है, चोरी डाका व्यभिचार लूटपाट ये होते हो, सब सारे असत कर्म है। तो मैं कहता हूं उसको छोड़िए, सत्कर्म करिए। और जब सत्कर्म करेंगे और ईश्वर पर भरोसा करेंगे तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा नहीं करिए। फल की इच्छा, फल तो आपको भगवान देगा। अच्छे काम का अच्छा फल होता है, बुरे काम का बुरा फल होता है। फल तो आपको अच्छा ही मिलेगा। जब आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही फलेगा, फूल नहीं कि वो फलियां नहीं लगेंगी। तो सत्कर्मों पर चित्त धारिये, दुष्कर्मों को त्याग। सत्कर्मों पर चित्त धारिये, दुष्कर्मों को त्याग, सुकृत सदा होता फलदाई। जब प्रभु से हो अनुराग, जब प्रभु से हो अनुराग, घट घट उर के बासी प्रभु जी बेड़ा पार लगाते। घट घट उर के बासी प्रभु जी बेड़ा पार लगाते। पूजा सेवा भाव समर्पण सब वही हिसाब लगाते। प्रभु जी के पास सब लेखा हिसाब है। दीन दुखी की सेवा से बढ़कर कोई पूजा न होती, दीन दुखी की सेवा से बढ़कर कोई पूजा न होती। हम मात पिता गुरु की सेवा सदा ही फलदायिनी होती, मात पिता गुरु की सेवा सदा ही फलदायिनी होती। तो सत्संगत से ज्ञान चक्षु कर्म मर्म पट खुल जाते, सच्ची पूजा का पूर्ण अर्थ कर्मशील नर पाते। सच्ची पूजा का पूर्ण अर्थ कर्मशील नर पाते। अगला बंद देखिएगा, विद्या बुद्धि विवेक त्रय मानव संवर्धन के सोपान। तीनों, विद्या बुद्धि विवेक त्रय मानव संवर्धन के सोपान, किंतु आलसी समझ न पाए पूजा कर्म महान। सद्गुण संवर्धन जीवन भर, नेक कर्म सुख पूजा, कर्म साधना से बढ़कर जीवन में और बड़ा नहीं दूजा, और बड़ा नहीं दूजा। तो सत्कर्मों पर मरने वाला सदा अमरता पाता। जिन्होंने सत्कर्म किया, अच्छे कर्म किए, मर भी गए, तो वो जो है अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। उन कई पीढ़ियों तक उनका नाम चलता रहता है। तो सत्कर्मों पर मरने वाला सदा अमरता पाता है। मानव सेवा हित अमृत जो बांटे वही विजय पाता है। मानव सेवा हित अमृत जो बांटे वही अमरता पाता है। और परहित सरिस धर्म नहीं दूजा, सम्मान वही पाता है। सत्य कर्म संकल्प त्रिवेणी प्रभु पूजा फल पाता है, प्रभु पूजा फल पाता है, प्रभु पूजा फल पाता है, प्रभु पूजा फल पाता है। आइए, एक रचना और पढ़ते हैं। उनतालीस मिनट हुए हैं, का तौर पढ़ दें। मन मंदिर हम स्वयं बनाए, ईश्वर तो है, अकाट्य सत्य है कि ईश्वर है, और ईश्वर की पूजा हम करते हैं। और हम कहते हैं हमारे अंतर मन ममाय विराजो तुम भगवान निष्काम। तो जो अंतर मन ममाय विराजेंगे, जैसे श्री राम जी हनुमान जी के हृदय स्थल में थे, और ये बात अकाट्य सत्य है क्योंकि उन्होंने सीना चीर कर दिखाया था। तो मन मंदिर हम स्वयं बनाए, अगर हमारा मन मंदिर हो जाएगा तो उसमें देवी या देवता आके और उसमें अपना स्थान देंगे और हमें और भी आगे ले जाएंगे।
तो फूट रहे सद्गुण के अंकुर, छोटा बच्चा है तो उसको जैसी संगति वैसी बुद्धि, अगर उसको सत्संग आप दे रहे हैं, आप अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, तो फूट रहे सद्गुण के अंकुर, अब कल्प वृक्ष हम उन्हें बनाए, और उसके सद्गुणों को बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन कल्प वृक्ष बन जाएगा। तो फूट रहे सद्गुण के अंकुर, कल्प वृक्ष हम उन्हें बनाए, अब भरा मैल जो अंतर मन, मल मल धोए चलो बहाए, ज्ञान दीप से अज्ञान अंधेरा स्वतः चलो हम दूर भगाए, अब आलीशान बनाया प्रभु ने मन मंदिर हम चलो सजाए। मन मंदिर तो प्रभु जी ने बना दिया है, हर चीज हमारे अंदर की जो है वो सब प्रभु जी ने बनाया है, अब हम उस मन मंदिर को चलो सजाएं, हमको सजाने की आवश्यकता है। प्यार प्यार का व्यर्थ असत भ्रम नई नस्ल को नहीं सिखाएं, प्यार प्यार का व्यर्थ असत भ्रम नई नस्ल को नहीं सिखाएं, संतत सीटी मार मार्ग बिचे देखो अपराधी न बन जाए, उस पर लगाम लगाना है हमको, यत्र तत्र है आग लगाकर नरक जिंदगी स्वयं बनाए, मात पिता का कर्तव्य यही है नेकी का पथ हम उन्हें बताएं। बच्चों को हमें नेकी का पथ बतलाना ही पड़ेगा। नगर हमारा सुख शांति पुजारी, आपका नगर जो है सुख शांति पुजारी है, अब 80% लोग सुख और शांति चाहते हैं, तो नगर हमारा सुख शांति पुजारी, सज्जन बसते विद्वत व्रतधारी, सज्जन बसते विद्वत व्रतधारी, यहाँ लोग अब सहमे सहमे कोई छुपा मंगलकारी, यहाँ लोग अब सहमे सहमे कोई छुपा मंगलकारी, बस्ती लगा दुखों का मेला प्रीति पुरातन इसकी लौटाएं, भाईचारा सद्भाव एकता, भाईचारा सद्भाव एकता अनुशासन का सुपाठ पाठ पढ़ाएं, मन मंदिर हम चलो सजाएं। असुर की करुणा काजल ना जाने, असुर की करुणा काजल ना जाने, और मर्म प्यार का पागल ना जाने, मर्म प्यार का पागल ना जाने, यही कहावत सही सत्य है घायल की गति घायल जाने, यही कहावत सही सत्य है घायल की गति घायल जाने, तुम्हें भी अनुभव मिल जाएगा निज जले, तुम्हें भी अनुभव मिल जाएगा निज जले घाव पर नमक लगाए, निज जले घाव पर नमक लगाए, तुम्हें भी अनुभव मिल जाएगा निज जले घाव पर नमक लगाए, जीवन में सुख शांति चाहिए तो प्राणी मात्र में दया दिखाए, तो प्राणी मात्र में दया दिखाए, जीवन में सुख शांति चाहिए तो प्राणी मात्र में दया दिखाएं, आओ मन मंदिर हम स्वयं सजाएं, तो कर्मों का फल तो मिल जाएगा, अकाट्य सत्य है कर्मों का फल तो मिल जाएगा, सिखा गए हैं पंडित ज्ञानी, अत्याचारी सदैव जो है मर मिटे हैं, लेकिन पंडित ज्ञानी ज्ञान ही बांटते रहे हैं, तो कर्मों का फल तो मिल जाएगा, सिखा गए हैं पंडित ज्ञानी, देश हेतु मर मिटना अच्छा कह गए अमर वीर बलिदानी, देश हेतु मर मिटना अच्छा कह गए अमर वीर बलिदानी, तो नेकी के पथ चलो साथियों छोड़ो आज सभी नादानी, वही देश जिंदा रहता है जो त्याग समर्पण का सानी, वही देश जिंदा रहता है, वही देश जिंदा रहता है जो त्याग समर्पण का सानी, इसीलिए आज जरूरत यही देश को मिलकर स्वर्ग बना, आज जरूरत यही देश को मिलकर स्वर्ग बनाए, सबका साथ हो तो सबका विकास होगा यह विश्वास जगाए, मन मंदिर हम स्वयं सजाए, 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 मन मंदिर हम स्वयं सजाए। और अंत में गीता का संदेश दे दें कि शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं,
और होनी है सो हो, होनी है सो हो, क्या कर सकते हैं हम, ईश्वर के लेख को मिटा तो सकते नहीं। तो शौक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो हो, और होनी है सो हो, व्यर्थ की चिंता छोड़ो, गीता का गुरु ज्ञान कर्म से नाता जोड़ो, तो कदाचरण पथ सत्य विनाशी, शीघ्र लगाओ रोक, असत पथ पर चलो धीर तुम, करना पड़े न शोक, करना पड़े न शोक, करना पड़े न शोक। तो गीता का संदेश तो यही है कि हम काम करें, अपने कर्म पर अटल रहे, तो वो काम करें। क्या क्या है कि इस मानव तन में आकर के हमें कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म करें, और आराम हराम है, आराम से जो है तो हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, तो आराम हराम है काम करो काम करो, अरे आराम हराम है काम करो काम करो, अरे यह नया पैगाम है काम करो काम करो, सुबह करो शाम करो काम करो काम करो, सुबह करो शाम करो काम करो काम करो, ऊंचा हिमालय गहरा है सागर, और नदियों का जाल बिछा रत्नों का कागर, और मिट्टी में सोना खदानों में हीरा, ऐसे भारत को न बदनाम करो काम करो, ऐसे भारत को न बदनाम करो काम करो, सुबह करो शाम करो काम करो काम। अब अपने को समझो और अपने को जानो, अपने को समझो और अपने को जानो, और मेहनत की ताकत को कुछ तो पहचानो, मेहनत की ताकत को कुछ तो पहचानो, और मेहनत का बदला मिलकर रहेगा, मेहनत का बदला मिलकर रहेगा, बढ़कर मुश्किल आसान करो काम करो काम करो, सुबह करो शाम करो काम करो, यह नया पैगाम है काम करो काम करो। और भाई साहब ये पौन घंटे का प्रोग्राम हुआ, 12 12 मिनट तो हमको जुड़ने में लग गए थे, लेकिन हम जुड़ गए और आप लोगों के समक्ष जो बन पड़ा वो सुनाए। और आदमी रचनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक हास्य से भरी हुई और एक व्यंग से भरी हुई और एक अविधा की। तो मैं कहता हूं कि कुछ चिकनी चुपड़ी बातों में सार नहीं होता, और झूठी प्रीति छलावा केवल प्यार नहीं होता, और भले दिनों में भले करें लाखों करबद्ध निवेदन, पर बुरे दिनों में सत्य कहूं कोई यार नहीं होता, झूठी प्रीति छलावा केवल प्यार नहीं होता, प्यार नहीं होता। कुछ छोटे मोटे व्यंग दो चार ठो पढ़ लूं एक एक लाइन के, कि शोर मत मचाओ जो घट गया सो घट गया, शोर मत मचाओ जो घट गया सो घट गया, अरे वह हवाला नहीं है जो आपस में बट गया, जो आपस में बट गया, एक छल से दूसरे को काट कर, आओ आदमी को आदमी से बांट कर, ठूंठ कर दिया विश्वास को, बरगद सी टहनिया छाट कर, बरगद सी टहनिया छाट कर, और चोर की चांदी पुलिस का सोना, आमद भी हो गई तफ्तीश भी हो गई, माल बरामद हो गया, माल बरामद हो गया, तो चंद चांदी की चमक में इस तरह बेहाल हो गए, भारत के लाल दलाल हो गए, जहां देखे सीबीआई और ईडी के जो छापे पड़ते हैं तो वो मशीनें भी नोट नहीं गिन पा रहे हैं। तो हमारे देश में कुछ छुपे हैं चोर थाने में, पकड़ने में कहाँ जाऊं, छुपे हैं चोर थाने में, पकड़ने में कहाँ जाऊं, और बन गया साला दरोगा, पकड़ने में कहाँ जाऊं, और दिन कटे हैं सीरियल में, रात फिल्मों में कटी, तो हो कलर टीवी घर में, तो बिगड़ने में कहाँ जाऊं, तो बिगड़ने में कहाँ जाऊं। मैंने कहा नेताजी को हार मंगवाइए, मैंने कहा नेताजी को हार मंगवाइए, इनके लिए ठंडा या गरम लेके आइए। नेताजी बोले कुछ खाना पीना है नहीं सत्य जी, आज नाग पंचमी है दूध पिलवाइए, आज नाग पंचमी है दूध पिलवाइए। तब मैं कहता हूं कि दुनिया बाजार है भटक मत जाइए, दुनिया बाजार है भटक मत जाइए, और गोरा रंग देख के अटक मत जाइए, और आजकल ट्रेनों में खिला के लोग लूटते,
तो बिना सोचे लड्डू गटक मत जाइए, बिना सोचे लड्डू गटक मत जाइए, बिना सोचे लड्डू गटक मत जाइए। पुत्र का नाम दीपक, पुत्री का नाम पूजा, और लक्ष्मी लक्ष्मी नाम की घरवाली है। भाई साहब उसकी तो रोज दिवाली है, उसकी तो रोज दिवाली है, उसकी तो रोज दिवाली है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सब श्रोताओं का, जो भी श्रोता हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी का, और भी जो श्रोता हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें झेला। और भविष्य में फिर कोई मौका मिला तो फिर सुनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।